नेपाल के उपराष्ट्रपति के सलाहकार की गिरफ्तारी के मामले में आया मोड़, उज्जैन पुलिस की कार्यवाही पर उठा सवाल। सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया उज्जैन पुलिस पर मनगढ़ंत और जल्दबाजी में केस दर्ज करने का आरोप। नेपाल के उपराष्ट्रपति के सांस्कृतिक सलाहकार बनकर शासकीय प्रोटोकॉल के मामले में महावीर प्रसाद तोरड़ी और उसके भाई सहित बेटे को गिरफ्तारी को लेकर नया मोड़ आ गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने उज्जैन पहुंचकर पुलिस द्वारा महावीर प्रसाद तोरड़ी के खिलाफ की गई कार्यवाही पर सवाल खड़े करते हुए पुलिस को कट घेरे में खड़ा कर दिया है। रविवार को उन्होंने प्रेस क्लब पहुंचकर एक प्रेस वार्ता ली और उज्जैन पुलिस द्वारा महावीर प्रसाद तोरड़ी के खिलाफ की गई कार्यवाही को न केवल मनगढ़ंत बताया बल्कि जल्दबाजी में की गई कार्यवाही भी बताया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने तमाम डॉक्यूमेंट पेश करते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि महावीर प्रसाद तोरड़ी वाकई में नेपाल के उपराष्ट्रपति के सांस्कृतिक और राजनीतिक सलाहकार हैं। उन्होंने उज्जैन पुलिस पर आरोप लगाया कि महावीर प्रसाद तोरड़ी को तमाम संगीन धाराओं में गिरफ्तार करने में उज्जैन पुलिस ने बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाई, ये जांच करने की कोशिश नहीं की सच क्या है और न ही महावीर प्रसाद तोरड़ी को ये साबित करने का मौका दिया कि वे नेपाल के उपराष्ट्रपति की राजनीतिक और सांस्कृतिक सलाहकार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उज्जैन पुलिस की ये कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है जिसका भारत नेपाल मैत्री संबंधों पर भी असर पड़ेगा क्योंकि इस प्रकरण के माइन इंटरनेशनल है और इसका असर उज्जैन और राजस्थान की नहीं बल्कि भारत नेपाल और चीन के संबंधों को भी प्रभावित करेगा। दर्शन मिले हैं आने का अवसर प्रयोजन तो आप सभी को जैसा कि हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को 30 जनवरी 2020 को माधव नगर थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें महावीर प्रसाद तोरड़ी जो अभियुक्त दो लोग और महावीर प्रसाद तोरड़ी और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था यहाँ से। उसके संबंध में पुलिस ने यह आरोप लगाया FIR में जालसाजी कूट रचित दस्तावेज एवं धोखाधड़ी जैसी संगीन धाराओं को मुकदमा दर्ज किया। उसमें कुलदीप कुमार शर्मा और प्रमोद कुमार दो अन्य लोग हैं दर्ज हुआ। 6 दिन का पुलिस कस्टडी PC रिमांड लिया गया कोर्ट से, उसके बाद जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया। दूसरा डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर प्रमुलगेशन फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट हाउस काठमांडू नेपाल, ये हस्ताक्षर सहित है नंद बहादुर पंत वाइस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ नेपाल काठमांडू 20/6/2017 का जो हमें प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर आज हम यहाँ पहुंचे हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है जिसे मैटर ऑफ डीप प्लेजर टू मी टू नो दैट प्रोग्राम ऑफ साफ कल्चर कोऑर्डिनेशन फॉर्म साफ कंट्रीज इंडिया भूटान नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश अफगानिस्तान मालदीव इज बीइंग कंडक्टेड विद द व्यू फॉर द डेवलपमेंट पोटेंशियल्स इन फ्यूचर इन फेवर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन द प्रोग्राम इज हाईली अप्रिशिएबल फॉर हारमोनी फॉर ग्लोबल फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी एंड टू रिव्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ वैदिक एरा कल्चर ऑफ इंडिया एंड नेपाल फ्रॉम द पास्ट 5 few years द सर्विस ऑफ अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच जो संबंधित है इस महावीर प्रसाद तोरड़ी से फॉर इंडिया इंडो नेपाल कल्चर कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम टू एस्टेब्लिश ह्यूमन वैल्यू सक्सेसफुली थ्रू ग्लोबल फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी प्रोजेक्ट हैज मोटिवेटेड मी टू नॉमिनेट मिस्टर महावीर प्रसाद तोरड़ी सनफ श्री सत्यनारायण शर्मा इंडियन भारतीय है, वो नेपाली नहीं है जो गिरफ्तार किए गए महावीर प्रसाद भारतीय है इंडियन एज माई स्पेशल एडवाइजर residence of 525 Gongubai residence area road number 5 Kathmandu Nepal who has made the significant place among top 10 most distinguished dignitaries in the world to motivated global peace and cultural coordination he will liable to make proposals for cultural coordination and decide other projects in this regard Mr. Tori will undertake the charge to make strong the Vedic era culture of India and Nepal with all the needful culture with the hopes that samarasta will be backed up by the government of relevant countries for global fraternity and unity I convey my best wishes ye Mahavir Prasad Tori ka photo lagaya gaya aur unke signature hai Nepal ke vice president aur 26/6/2017 ka ye ek patra ha dekho thoda chehra dekhiye थोड़ा आपका 2017 में नियुक्ति हुई थी जी।